हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। इसमें दिया हुआ है इफ -4 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4p इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ हैज इक्वल रूट्स, ठीक है। क्या है, एक छोटा इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि -4 इस इक्वेशन का रूट है। तो -4, अगर पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, -4 जो है वो इस इक्वेशन का रूट है, ये दिया हुआ है। -4 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो -4 अगर इस इक्वेशन का रूट है, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, लिखते हैं सिंस -4 इज रूट ऑफ इक्वेशन 1, देयरफॉर अगर हम इक्वेशन 1 में -4 को पुट कर देंगे तो इक्वेशन 1 -4 को सेटिस्फाई करेगा। तो ये -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 × -4 प्लस 4p इक्वल टू 0। -4 का होल स्क्वायर ये हो गया 16 माइनस 8 प्लस 4p इक्वल टू 0। 16 माइनस 8 ये हो गया 8 प्लस 4p इक्वल टू 0। 4p इक्वल टू 8 उधर चला गया माइनस 8 और p इक्वल टू माइनस 8 बाई 4। p का वैल्यू आ गया -2, ठीक है। p का वैल्यू -2 आ गया। अब हमारे पास एक इक्वेशन और दिया हुआ है x² + px। इसमें सिंबल p का यूज हुआ है, px ब्रैकेट में 1 + 3k + 7 × 3 + 2k = 0, ठीक है। तो फिर से पढ़ते क्वेश्चन, इफ -4 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट। इस इक्वेशन में हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। k का क्या वैल्यू होगा कि इस पूरे इक्वेशन का जो रूट है वो इक्वल रूट हो जाए। तो इक्वल रूट के लिए d को 0 होना पड़ेगा। d तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले d को कैलकुलेट करेंगे और d को इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर देंगे तो हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन इसमें दो वेरिएबल आ गया, k और p, और p का वैल्यू हमें मिल चुका है यहाँ पे, तो हम इसमें p का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा x² p के जगह पे -2x 1 + 3k + 7 3 + 2k = 0। और ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ये इक्वेशन x², इसमें हमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। x यहाँ पे है तो ये -2 1 + 3k, हम x को खाली पीछे लिख लेते हैं, +7 3 + 2k = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम d कैलकुलेट करते हैं, d = b² - 4ac। तो b के प्लेस पे ये पूरा है -2 ब्रैकेट में 1 + 3k, इस पूरे का होल स्क्वायर -4 × a के प्लेस पे है 1 और c के प्लेस पे है ये पूरा 7 3 + 2k। तो इस ब्रैकेट को हम ब्रेक कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर ये बन जाएगा 4 और 1 + 3k का होल स्क्वायर, तो इसको भी एक साथ में ही ब्रेक कर दे रहे हैं। 1 + 3k का होल स्क्वायर हो गया 1 + 9k² + 6k और -4 × 7 -28 ब्रैकेट के अंदर 3 + 2k, ये हो गया 4 × 1 4 + 4 9 36 k² + 4 6 24 k -28 × 3 हो जाएगा 84 और ये हो गया -28 × 2 -56 k। तो ये हो गया 36 k², ठीक है। ये फिर यहाँ पे 24 k - 56 k ये बन जाएगा -32 k, ठीक है, और +4 और -84 ये बन गया -80। ये आ गया d का वैल्यू, इसको कुछ कॉमन निकल रहा है तो हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा 9 k² - 8 k - 20, ठीक है। तो ये आ गया d का वैल्यू। और अब दिया हुआ है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन हैज इक्वल रूट। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट दिया हुआ है वो रूट इक्वल है, इसलिए हम d को इक्वल टू 0 करके लिख सकते हैं। सिंस द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, देयरफॉर d = 0।
तो अब जगह हम इधर लिखते हैं, ठीक है। ये जो पूरा d का वैल्यू है, d इक्वल टू जीरो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो यहां से हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये हो गया 9k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 20 इक्वल टू जीरो। 4 को भेज देंगे जीरो के पास। अब 9 इंटू 20 हो गया 180। तो 9k स्क्वायर माइनस 18k प्लस 10k माइनस 20 इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। अब इन दोनों में 9 कॉमन आ गया, 9k, तो ये बच गया k माइनस 2। और यहाँ पे 10 कॉमन आ गया, ये हो गया k माइनस 2 इक्वल टू जीरो। एक ब्रैकेट में आ गया k माइनस 2 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 9k प्लस 10 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से k का दो वैल्यू आ जाएगा, एक तो आ गया k इक्वल टू 2 आ जाएगा और एक आ जाएगा k इक्वल टू माइनस 10 बाई 9। तो बस हमें k का वैल्यू फाइंड करना था, ये आ गया k का वैल्यू, ठीक है।